बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि केशव भाई जाओ और नवाबी छत्ते को कैप्चर करो। अब ये नवाबी छत्ता क्या है मैं समझ कभी नहीं पाता था। जब उन्होंने बताया कि ये लियाकत अली खान साहब का वो आशियाना है जो हवेली हुआ करती थी वो आप दिखाएं, तो मुझे कोई मकामी बंदा नहीं मिल रहा था। मैंने जितनी बार भी कोशिश की मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कहा हो कि आओ हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इस बार हिम्मत करके मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे इसी घर में इसी आशियाने में रहता हुआ आज का एक बच्चा मिला, ये दीपक मिला, जिसने मुझे कहा कि भैया आप आओ हम आपको पूरी दिखाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग आते हैं तो आप भी वो कर सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और आज क्योंकि 1 नवंबर है, हरियाणा डे है, तो आज अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज ही के दिन हमारा हरियाणा बना था और आज ही के दिन मैं लियाकत अली खान की वो हवेली कर रहा हूँ। तो मैंने दीपक को कहा तो दीपक ने मुझे बड़े ही खूबसूरत ढंग से वो वीडियो बनवाई है। जितना टाइम मुझे चाहिए था दीपक ने वो भरपूर टाइम दिया है। अब दीपक जो है वो इस घर में रहता है, कब से रहता है मैं चाहूँगा कि दीपक भी थोड़ी देर तो हमें भी बताए कि आखिरकार उसने बचपन से लेके क्या क्या चीज़ें सुनी हैं यहाँ पे। तो दीपक तुम यहाँ कब से? हम यहाँ हो गए 14-15 साल। अच्छा, यस। तो 14-15 साल, तो ये कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? हो गए 10-12। 10-12 परिवार हैं, ओके। तो ये सारे के सारे लोग 47 में आए थे या बाद में भी आए हैं? बाद गए हैं सारे। अच्छा, पहले वाले सब चले गए? जो पहले थे वो सारे जा चुके। अच्छा, उसके बाद गए सारे। मैंने सुना है कि ये बड़े सस्ते में बिकी थी, कितने में? 60-70 में। वाह। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं किसी बुजुर्ग के साथ बात क्यों नहीं कर रहा, तो भैया जैसे कि पहले भी किसी ने मुझे टाइम और वक्त नहीं दिया और ना ही कोई इंटरेस्टेड था, तो दीपक मिला, दीपक ने जो चीज़ें बताई है या बता रहा है वो इसके बुजुर्गों ने बताई हैं, तो अंदेशा ना रखें कि दीपक कुछ गलत बता रहा है। तो बाकी दीपक तुम लोग यहाँ रहते हो, कभी तुम्हें ऐसा लगा कि हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जो बड़ी कमाल की है, जिसकी एक हिस्ट्री है? यस यस, बिल्कुल। इसको देखने में कई बार बहुत अच्छा लगता है, घूमना इसके खुला ढुला सारा खुला हुआ गाँव। हाँ, वो तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है, हवेली अपना जहाँ चाहे वहाँ तक लेट जाओ, घूम लो फिर लो खेल लो, कोई टोक टोक नहीं। बिल्कुल, हमारे लिए भले हवेली होगी पुरानी हवेली होगी लेकिन ये किसी महल से कम नहीं है। और एक तो मैं ये पुराने उसकी बंदे जाने पहचाने जाने माना बंदा जो लियाकत अली जिन्ना उसकी है, मैंने उससे प्राउड कर कि किसी को घर बताना अगर दिक्कत नहीं होती एड्रेस वगैरह, मगर लियाकत अली जिन्ना की बिल्डिंग है आज ही बस। अच्छा, वैसे इसका एड्रेस का क्या है? इसका एड्रेस कलंदरी गेट नवाब छत्ता करनाल। कलंदरी गेट नवाब छत्ता करनाल, बड़ा खूबसूरत एड्रेस है और उन लोगों को ज़रूर पसंद आएगा जो इसको सुन रहे होंगे। बाकी अगर कुछ चीज़ें रह गई हों तो उसके लिए माजरत, और जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके लिए मैं उस वक्त को धन्यवाद दूंगा कि हम पिछले कई टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हम इसे कैप्चर करें। और दीपक का तो ऑब्वियसली थैंक्स है, दीपक का तो मतलब पूरा वीडियो जब जब देखा जाएगा तो दीपक का ही थैंक्स रहेगा, क्योंकि दीपक ने हमारे यहाँ को आगे भेज रहे हो, क्योंकि दीपक का इतना बड़ा थैंक्स है कि ये वीडियो अगर 10 साल 20 साल 50 साल तक जिंदा रहेगा तो दीपक को ही याद किया जाएगा कि दीपक ने, दीपक के बच्चे भी जब देखेंगे तो भाई पापा ने हेल्प की थी। तो मैं ज़ाती तौर पर मैं दीपक को थैंक्स कर रहा हूँ कैमरे के सामने भी और फेस टू फेस भी। तो शुक्रिया जी, कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप लोग चाहते हो लेकिन वक्त मिलेगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, शुक्रिया। हाँ, फिलहाल आपको वो पूरा का पूरा ये हवेली दिखा देते हैं, उसका आप लुत्फ लीजिए।
वीडियो आने वाले दिनों में दिखाऊंगा, तब तक इस वीडियो का लुत्फ उठाएं और जितने भी लियाकत अली खान साहब को जानने वाले लोग हैं या करनाल से रابطہ रखते हैं, वो इस नवाबी छत्ते को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।